राधे राधे सभी दर्शकों को, राधे राधे। आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी का बिस्तर, जिसमें एक तकिया, एक गोल पिल्लो और एक एसी शीट आएगी। आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलो शुरू कीजिए। सबसे पहले हमने लिया है चद्दर, जो नीचे बिछाते हैं ठाकुर जी के लिए गद्दा। आइए हम उसका नाप लेते हैं। ये 10 नंबर जी के लड्डू गोपाल के लिए है, जिसकी चौड़ाई हम लेंगे 9.5 और लंबाई लेंगे हम 12.5। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ये गद्दी का नाप है। आइए हम एसी शीट का नाप लेते हैं। इसको भी मैंने डबल कपड़े में लिया है, जिसकी लंबाई है 14.5 और चौड़ाई है 13। और मैं इस सेट के साथ 2 पिल्लो बनाने जा रही हूँ। एक जिसकी चौड़ाई है 3.25 और लंबाई है 4.5 विद मार्जिन, और एक बनाएंगे हम गोल पिल्लो, जो ठाकुर जी की हाथों के नीचे रखा जाता है, जिसकी लंबाई है 5 और चौड़ाई है 4। एक सजावट के लिए मैंने लेस ली है, आप कोई भी लेस लग सकते हैं, और मैंने 2 बटन लिए हैं। तो आइए शुरू कीजिए। मैंने पहले एसी शीट के चारों तरफ लेस लगा ली है, जितना हमने इसके अंदर दबाव देना है। कच्चे रांके से चारों तरफ से मैंने लेस लगा लीजिए। आपके पास लेस नहीं हो तो ऐसे भी सिल सकते हैं, मेरे पास थी इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर के इसका दूसरा हिस्सा, इसको 3 तरफ से सील लूँगी। ध्यान दीजिएगा, 3 तरफ से सीलूँगी, एक तरफ से नहीं सीलूँगी, क्योंकि उसको मैंने सीधा भी करना है। देखिए लेस का आधा हिस्सा बाहर आ गया है और मैंने अच्छे से इसके कॉर्नर भी निकाल लिए हैं। अब मैं एक पैर का गैप दे करके उसकी मगजी निकाल लेती हूँ, और ऊपर से इसका मैंने आधा आधा इंच अंदर दबाव दे करके मुंह भी सील दिया है। एक्स्ट्रा धागे मैंने काट दिए हैं। लो जी, हमारी एसी शीट तैयार हो गई। ऐसे ही मैंने इसकी गद्दी भी तैयार कर ली है, पिल्लो भी तैयार कर ली है। सेम तरीके से आप इसे भी सिलेंगे। मैंने इसका पिल्लो भी सील लिया है। अब मैं इसे सीधा कर लूंगी। पिल्लो को कर लिया मैंने, अब इसकी गद्दी को भी कर लूंगी। और जो गोल पिल्लो है मैंने उसको सिर्फ दो तरफ से ही सील लिया है, उसको भी मैंने सीधा कर लिया। अब मैं इन तीनों में फाइबर भरूंगी। मैंने गोल पिल्लो को एक तरफ से कच्चा टांका लगा लिया है, जिससे कि वो सुंदर दिखेगा फ्लावर टाइप, और उसको खींच के मैं उसकी नॉट बांध लूँगी। अच्छे से टांका लगा करके उसकी मैंने नॉट कर लिया। अब इसको मैंने सीधा कर दिया। अब मैं तीनों पिल्लों में फाइबर भर दूँगी। गद्दी में दोनों पिल्लों में
फाइबर भर देंगे हम। और सेम तरीके से जैसे पहले मैंने किया था वैसे ही इसका मैं मुंह बंद कर दूंगी। और मुंह बंद करने के बाद इसके ऊपर एक सुंदर सा बटन लगा देंगे। मेरे पास दो वाइट बटन पड़े थे, मैंने वही लगाए हैं। जो आपको पसंद हो वही लगाना, अदरवाइज ये बिना बटन के भी चलेगा। आप छोटे पिल्लों का चाहे तो सुई से मुंह सील दीजिए, चाहे वो से मशीन से। मैं मशीन से सीलना पसंद करूंगी। सेम प्रोसीजर से मैं गद्दी का भी मुंह सील दूंगी। लीजिए, हमारे ठाकुर जी का बिस्तर तैयार हो गया। गद्दी, पिल्लो, गोल पिल्लो और एसी शीट। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा।